सत्संगम। बोलो बोलो माता भगवती महारानी की जय। हे मैया सरस्वती, बिने करहु कलजो केवल आसि तुम्हारी हे मां, पार लगा दे स्वर दिया मां सरस्वती, स्वर दिया मां सरस्वती, गुरु ने दिया है ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, भजते श्रोता बंधु जय हो। आइए सबसे पहले मैं एक भगवती की झूमर सुनाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद फिर पुनः मीरा साहब के प्रसंग सुनाने का प्रयास करूंगा। हाथ ले ला डलिया मलिनिया, खाऊ छाले ला द्विविधान, ये खाऊ छाले ला द्विविधान, चली है भेले जे हो। हे ये मालिन, हे ये मालिन दीवारी हे या सथान, ना से चली है भेले, साझले हो साझले हो, दीवार के माता पिता है राये, दीवार के माता पिता है राये, एलिया है हे ये माये, हे ये देवी माँ, तोहरा है दुआ रासे अलिया हे मैया, जय
अबला नारी हाथ में डाली लैया ओय में फूल पत्ती ले लैया जेओ और देवी स्थान महिषी के और बढ़ैया आहे हाथ ले लदलिया चलिए भेले मलिनिया हे ये माली तारा हे यास था ना से चलिए भेले या हे मैया हे ये माये अलिया हे तोरा दरबार रास साझा है ले हो साझा ले हो साझा ले हो महिषी के माया जले हो मैया अले अलिया हे मैया हे ये माये हे ये देवी माँ तोरा हे दरबा रास अलिया हे मैया चलिए भेले हे ये माली
हे मलिनिया मैनाया सखा नास चाली हे भेले सबक बीच एक मीरा साहब के प्रसंग सुनावे छी जे की कहानी छी यहां के लाही गढ़ के। आई मीरा साहब के प्रसंग में जे कुछ त्रुटि त्रुटि है ते अपन बाल बच्चा समझ कहां सब क्षमा करबे। एक बार प्रेम से बोलिए मीरा साहब की जय। भैया बोल यारे बोल माँ बोलन लगल भैया बोल यारे बोल माँ भैया बोल अरे भैया बोलिए रे बोल के कल माँ के कह लगल रे भैया सुन लो ही मधुरी रे बचन
भैया रे बड़का भाई के कहानिया छोटका रे अरे भैया आप नहीं रे प्राण लाही गढ़ में बचत रे अरे भैया आप नहीं रे जान लाही गढ़ में बचत रे श्रोता बंधु लाहीगढ़ के दोनों भाई चौकीदार है जरा सैनिक कहियो चौकीदार कहियो पहरेदार कहियो नूजागढ़ जीते के लिए जय मीरा साहब के नौ पुरखा मारल गेले नहीं नूजागढ़ से मीरा साहब के एक गोटा के मूल मस्ता घूर के लिए नहीं ओकर दाह संस्कार भले और नहीं ओकर चालीसमा भले कुछ ओकर उपचार तक नहीं भले श्रोता भगवान जय हो ध्यान से सुनबे एने मीरा साहब के दलबल के साथ सब साइना घोड़ा हाथी के लेकर के लाहीगढ़ सीमान पहुंचे वाला है आ लाहीगढ़ सीमान से ओकर घोड़ा के जो आवाज टाप के जा रहे है आंधी गर्दा मचेने जो दल सल सब जा रहे तो एलमा केलमा दोनों भाई बड़ तेज रहे बड़का भाई एलमा के छे रे छोटका केलमा फेर केलमा आप नहीं रे प्राण लाहीगढ़ में बचत रे फेर भैया मारा मारा रे पकड़ दल सब कहने आबै छै रे जाना यारे बच्चा के लाही कर से भागने रे आ कलमा एहन रे नौकरिया दुनिया में ढेर के मिलते रे अरे कल
जेलमा चलती सलाही कर सब भागवे करने रे श्रोता सज्जन वृंद छोटका भाई जे कलमा रहे ना वो बड़ी हिम्मतगर रहे आ अलमा जो रहे कंटा हिम्मत में कमजोर रहे लेकिन दोनों भाई मोछ राखे रहे बहुत लंबा लंबा अलमा मोछ टेरे रहे पहले जबकि लाही करके लड़ाई से ओकरा परिचय नहीं रहे लेकिन कलमा के इतना हिम्मत रहे जो बड़को भाई के अपना आप के मैनेज कह सके रहे कलमा के चाहे भैया अलमा नू जागरण लड़े के लिए जब तक अलमा कलमा दोनों भाई के प्राण रहते केकर मजाल से क्या है नू जागर के जीत लेते रहले बात की आज आवाज सुन रहल छे दल बल के वो हम भी सुन रहल छे और देख भी रहल छे कि आब रहल छे भैया घरिए रे पलक में दल सब झूमे न लगल रे भैया घरिए रे पलक में दल सब झूमे न लगल रे रे भैया बुद्धि के मार मार बे लाही घर में आने रे भैया बोझ के मार मार बे हमें लाही घर में रे रे भैया नूजा करके जीते के शौक मिटाने दे रे भैया नूजा करके जितनी शौक मिटाने दे रे आर भैया बुद्धि से रे पर के दुनिया में बोलो न होय छे रे भैया बुद्धि के रे मार लाही घर में मार रे भैया तो निको ने फिकीर लाही घर में करियो अरे भैया सब से ना के लाही भर धूका ने से बैरे छोटका भाई कलमा भरोसा दे बड़का भाई अलमा के भैया तनिको तू चिंता नहीं कर लाही घर में भैया अरे पहले इत देख लो कि कौन गांव के कौन राज के दल वंशी कते लड़ाई करे के लिए जा रहा है यदि नूजा कर लड़े के लिए चाहे ते नूजा राजा से ओकरा से दल बन के सबसे बदला ले लेवे आदि दिलरी के साजल रात हेते दल बन हेते तो ओकरे सेना में घुस जेबे
जितना में इतना विचार कह रही है दल सब करीब करीब नजदीक आ रही है एलमा के चरे केलमा दोनों आदमी एहन समस्या बतेबे और दिलरी के यदि दल बन से तो साथ में जाकर के ना दुखनामा बतबे अपना दल में अपना दोनों भाई के शामिल कर लेते हैं आ फिर ओकर बाद लाहीगढ़ में फुसला पड़िया घुसाल में सब सेना के एक गेट पर तू रहिए भैया दोसर गेट पर हम रहे लाहीगढ़ में दोनों भाई गेट पर आगे लगा दे पूरा लाहीगढ़ जेर के खाक रहे थे जते लाही से घर लाही के बनल घर लाही के बनल खुट्टा खाम सब चू चू के सेना के देह पर गिरते अरे भैया सब तारे दल के हम झरका के मारबे रे भैया सब तारे दल के हम झरका के मारबे रे अरे भैया नू जा कर के लारे के हम सोख मिटैबे रे अरे भैया सुन लो ही बचाना हमारे कलमा रे भैया हेरे कलमा बारा मन खुशी लाही घर में भेल रे अरे भैया आप नहीं रही जान से ना के बचेल दे बहरा अरे भैया भरिए रे छन में दल सब जुम गया नहीं है रे हेरे भैया दस जनवरी जितना देर में दोनों भाई विचार करे या लाहीगढ़ में वोने से मीरा साहब घोरा हंसराज पर सवार फेर पूरा दल बल के साथ लाहीगढ़ गेट पर पहुंच गए एलमा कलमा दोनों भाई गले घोलेट बोलेट के कोल जोर के खड़ा हो लगे ए हो दोल ए हो बोल ए हो साइना अरे ककर बोल बोल से कत मलकल कुदकल जा रहल छो अरे भैया तानी कोरे परिचय हमरा पता न दियो हो अरे भैया कोन का के दल बल छैबे कैले रे अरे भैया दल सब जैबे करे छे हो हे हो भैया सब टाके विपत्ति में हमें साथ देवा श्रोता सुनंद्रिंद एलमा कलमा मीरा साहब के एक एक दल बल के रोक ललके ये और अपना दुखनामा सुनने लागले उनका से परिचय पात्र सब लिया लागले मीरा साहब के सिपाही ये दल बल छी अरे भैया
बीबी रे या तम के दल बल साजल छियै रे आ भैया दिल्ली के रा भैया दिल्ली के सुबेदार हम सब छेबे के लिए रे भैया मीरा या बसाब हमर नाम लगै छै रे आ भैया सुन लही बचनी हमार भैया रे अरे भैया नू जागर के जीते खातिर दल सब जा छोरे भैया दादा रे पुरखा के बदला हम छुकै बे करबै रे ए भैया इतना शब्द सुनिए कि नू जागर के राजा से लड़े के लिए हम जा रहल छिए बाबूजी सारा परिचय पात्र लेके के बाद एलमा केलमा अपन बीरतनमा बतवा लागल के जे हे हो मीरा सुबेदार अरे जे नू जा राजा से लड़े के लिए जा रहल छो दल बल के साथ ऊ तो हमरो अपना गोरी में 5 साल खटा लेलके आ जब पैसा मांगे के लिए तो मारे के लिए दोनों भाई के दौड़ ले नू जागर से भगा दिलके ओकरे से बदला ले के लिए हम हूँ ऐ जगह खड़ा छी और हम आशा ही आवे रही है जे हो तोहर जे नौ पुरखा नौ वंशज के जे लड़ाई में मार लक एक एक के घेट काट लक हम सब कहानी जाने छी तोरा हम बहुत मदद करवा मीरा साहब मीरा साहब एलमा केलमा के वचन सुनिए और बड़ खुश भाग गई है इनका मन में कोई छल बोल नहीं और युद्ध जीते के अंदर में एक उजाला जले रहे श्रोता बाबू ध्यान देवे एलमा केलमा दोनों भाई सारा करे है शमीरा साहब के चलियो अपना अंदर इलाही घर में कहीं आराम कर लियो विश्राम कर लियो सब दल बल पानी पी लेवे शरबत पी लेवे ओकर बाद सब गुरु मंत्र हम बताए कि नू जाकर राजा से कना जितवे श्रोता सुजन प्रीत एलमा केलमा दोनों भाई के शब्द मीरा साहब सुनिए और लाही कर में एक एक सेना का आदेश क्या दल के आए सिपाही अरे भैया लाही कर में सेना सौ दिश राम करते रे भैया एक एक सेना सब टा लाही गर जाय छै रे आगर दा मचै ने जाय छै रे आ दौड़ल फांगल जाय छै रे आ भैया सबटा सेना लाही गर पर बेस केलकै रे
हे श्रोता भगवान लाहीगढ़ में एक एक सेना के घुसा दिल गई और अलमा कलमा दोनों भाई मोश पर तौ जा रहा है। बड़का भाई अलमा के चढ़ा कलमा कलमा परम नर खुशी लाहीगढ़ में भेले रे भैया सबटा सेना रे लाही कर प्रवेश कल कर हेर भैया अरे सपना आवता सबके लाही घर में छोड़े बह रे भैया सबका सेना अंदर प्रवेश क्या के लो ये श्रोता बंधु श्रोता भगवान बाबूजी अलमा इशारा करे छोटका करे अलमा रे वे कोना तोड़ के कोई जो आए कोना में हम रहबे सबका सेना अंदर में प्रवेश क्या के लो एक सलाह तू वन्ने माचिस बाहर दही आ एक सलाह के माचिस हम आए गेट पर बाहर देवे श्रोता सुजन मरीन अरे भैया अलमा रे दौड़ के बड़का गेट पर जाए छे रे अरे भैया कलमा रे छोटका भैया दोसर गेट जाए छे रे भैया दोनों भाई रे मोश पर या बताओ दै छै रे अरे भैया लाही घर में सेना के झरका के मारबै रे अरे युद्ध के मौका छोड़बै रे ककरो न जिंदा छोड़बै रे अरे भैया साला तहू कलमा या व्यापार में दही रे छोटका भाई पिछलका गेट पर गेले और चलाय पारी लाहीगढ़ में हे बाबूजी सबटा सेना मीरा साहब के अंदर में है और लाहीगढ़ में आग जला दल गई है अब बड़का भाई अलमा है बड़का गेट पर आग लगा दल गई है सबटा सेना के शरीर पर जब लाही बरेक बरेक के चुए लगले श्रोता भगवान आ भैया लाही के रे आग लव मरदा सुन होई छै रे हेर भैया दोनों भाई रे लाही घर में आग लगल कर आग सबटा गिरन लगल रे
योता भगवान बोलू यो लाही घर में जितने आए गए लाही घर के कोरो खुट्टा खाम सब चुके सेना के देह पर गिर रहा है एक एक सेना झरक रहा है घोड़ा हंसराज जल रहा है श्रोता भगवान हे भगवान अब भैया सबटा सेना में भगदर मच गेले रे भैया सबटा जे सेना में भगदर मच गेले हो आ भैया आगिया रे लहर आब बड़दा सुन जाय छे भैया आगिया लहर आब बड़दा सुन जाय छे हो अरे भैया लाहिया बाबर के मीरा साहब के गिर रे भैया भैया घोरा हंस राज के सुनाबे में लागले रे भैया घोरा हंस राज के सुनाबे लागले हो हे रे घोरा भाई बोला बोलो हो भाई हे घोरा हंस राज भैया आहा बोलो तोरा में सामर्थ नहीं रहो तो किया तो हमरा बटिया चढ़ा के धोखा दे रहल छो काना श्रोता सज्जन वीर बोलू लाहीगढ़ में जब आग लग गए सब सेना के देह पर तो मीरा साहब घोरा हंसराज के टोक दे आग ले हाँ। जय घोरा हंसराज बाबू साहब हे यो बाबू साहब घोरा हंसराज कहे छे मीरा साहब ए हो घोरा भैया हे हो भैया आहो भैया रास्ता ताहो चढ़ा के कहूं धोखा दे छे भैया रास्ता चढ़ा के तहूं धोखा दे छे हो अल्लाही कर में भैया लाही हमर घोरा भैया हो हमर घोरा भैया हो अरे भैया सुन लोही वचन हमारे भैया हो भैया सुन लोही वचन ने हमारे भला हो श्रोता भगवान आह मीरा साहब के शब्द घोरा हंसराज सुनाइए हाँ कहते हे हो मीरा साहब हे हो साहब हे हो सेना के सुबेदार हे हो सुबेदार हे हो मीरा हे हो मोगिया वंश के मोगिया बच्चा जन्म लेल हो भैया मोगिये हो वंश में मोगी जन्म लेल हो हे हो मीरा साहब तोरा जे मक्का पीर पान दलका ये जे खोदाय तोरा पान दलका ये ओकरा लिए लाहीगढ़ बड़का चीज छे ओकरा तो सुमरा जे दुर्गा तोरा पान दलका ये बोलो ओकरा तो सुमर के हमरा पीठ पर सवार भ जा आ मुंह पे हमरा लगाम लगा लिए एकरा तनिक सा ढीला कर दो आ एरी के ताजन दिखा दो आहो भैया शबत्ता रैया है के हम पीने जाई बैरे भैया शबत्ता हो या गया के सुरह के जाई बैरे आरे भैया एलमा कलमा के भरम के हम तुर नहीं दे बैरे भैया एलमा हो कलमा के भरम तुर दे बैरे हे हो मीरा
श्रोता भगवान मीरा साहब के तने बात घोड़ा हंसराज कहिए और घोड़ा पर सवार भए जाइए। बादामी जे पलंग में कसने रे नीचा में ओकरा ढीला करे है और मुंह के लगाम ढीला कह दी है। एरी के ताजन घोड़ा हंसराज के बता दी है। घोड़ा हंसराज रे मीरा साहब के बड़ा भाष्य मान रहे शब्द नुकरा पर का भाग के दर्जा दिल के अरे भैया सुन ला हो लाही करके कहानी के भैया हो भैया सुन लो हो लाही करके कहानी भैया हो भैया सिमरी बख्तियारपुर जिला सहरसा माँ भगवती मंडली लोक गाथा भगत मेरे साथ संग दे रहे हैं। नाल मास्टर है रविंद्र कुमार जी जो कि स्वर संगम की शान है और हमारे पेड़ पर बहुत पुराना पेड़ वादक जो कि कुर्सेला के बिहार के निवासी मुरलीधर जोशी जी हैं और हमारे कोरस गायक में हमारे प्रिय बड़े भाई मिथिलेश पासवान ग्राम पोस्ट गोपालपुर थाना सिमरी बख्तियारपुर जिला सहरसा के निवासी हैं। दूसरा कोरस गायक है प्रेम पासवान जो कि ग्राम पोस्ट गोपालपुर थाना सिमरी बख्तियारपुर जिला सहरसा के निवासी है। झाल पर संगत कर रहे हैं सुशील यादव जो ग्राम टेंगरा के निवासी हैं। करतार पर संगत कर रहे हैं प्रेम पासवान और अशोक पासवान जो ग्राम पोस्ट गोपालपुर थाना सिमरी बख्तियारपुर जिला सहरसा के निवासी हैं। और इस भगत कैसेट बनाने में मेरे बड़ा भाई अखिलेश पासवान जो सिमरी बख्तियारपुर में डिफेंस विभाग में हैं उनका काफ़ी योगदान रहा और मेरा मित्र रविंद्र जी जो तुर्की दरियामा की है इनका काफ़ी सराहनीय रहा। और इस मंडली को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे मुलजैन श्री बंदलाल पासवान जो कि हमारे गुरु बाबा भी है मुलगेन भी है हमारे इस मंडली का एवं हमारे भगत बाबा श्री ज्ञानदेव पासवान जी हैं एवं परमेश्वरी पासवान सज्जन पासवान और काफ़ी सहयोगी हैं जिसके कि अथक प्रयास से यह कैसेट बनाए हैं। इसमें जो कुछ त्रुटि होगा आपने बच्चे समझ के क्षमा करना। अरे भैया लाही करके आग मीरा साहब ने बदल कर अरे भैया घोरी के रे लगाम ढीला कने दिल के रे भैया घोरी के लगाम ढीला कने दिल के हे हो भैया तीन
भैया कोना कैया के घोरी सुरक ने गेल भैया बिना कोना घोरी नहीं सुरक गेल हो आ भैया सबटा आई के घोरा आव सुरक ने गेल भैया सबटा आई के घोरा ने सुरक गेल हो अरे भैया एक कोना कैया के दल ले छोड़े दल के हो भैया एक कोना के दल ले छोड़े दल के हो हे हो भैया सबटा सेना चीलम आब जे पीबे करते है भैया सबटा जे दल सब चीलम पीते हो एक द्वार एक कोना के घोड़ा हंसरा छोड़ दल के आई के सब सेना किलोल कर लागल कल के हे घोड़ा भैया आदि सब आए के तू पी जब हो तो हम सब चीलम में कौन ची पीनी डाक पीबे श्रोता भगवान आवियो एकटा हम भजन कौर चले छी आ प्रसंग में अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन आदत बुरे सुधार लो बस हो गया भजन अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन अरे इतना अगर अरे इतना अगर अरे इतना अगर सुधार लो बस हो गया भजन इतना अगर सुधार लो बस हो गया भजन अगर सुधार लो बस हो गया भजन इतना अगर सुधार लो बस हो गया भजन अरे माता से बढ़कर दुनिया में कोई देवी नहीं है जी माता से पिता से पढ़कर संसार में देवता कोई नहीं है जी पिता से पढ़कर संसार में देवता कोई नहीं है जी अरे उनको अरे उनको अरे उनको तू पूजा कर ले बस हो गया भजन उनका पूजा कर लो बस हो गया भजन अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन कपन के बरिया न हो सतगुरु बिन साहब बोलो सतगुरु बिन साहब अरे के खोली कपट के बरिया न हो अरे के खोली कपट के बरिया न हो सतगुरु बिन साहब के खोली के खोली के खोली कपट के बरिया न हो सतगुरु बिन साहब के गोरी कपट के खोली कपट के बरिया न हो सतगुरु बिन साहब के खोली कपट के बरिया न हो सतगुरु बिन साहब हे अपने बनती बड़ी कुल बनती अपने बनती बड़ी कुल बनती अपने बनती हो बड़ी कुल बनती अपने मन की हो बड़ी कुल बनती अरे अपने बनती बड़ी कुल बनती अपने मन की हो बड़ी कुल बनती अरे ससुरे में अरे ससुरे में अरे ससुरे में भैनी संगत या न हो सतगुरु बिन साहब के खोली
हे भोले कपट के बरिया न हो सतगुरु बिना साथ के भोले कपट के बरिया न हो सतगुरु बिना साथ के भोले कपट के बरिया न हो सतगुरु बिना साथ के भोले कपट